हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, 50 से 60, 60 से 70 जैसा क्वेश्चन रहा, ठीक है। जिन जिन एग्ज़ाम में कंप्यूटर अवेयरनेस का सिलेबस है, जैसे बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, झारखंड JSSC CGL हो गया, कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, तो हम लोग चैप्टर वाइज डेली हम लोग क्वेश्चन करते हैं। यदि आप चैनल से नए जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल बटन को दबा दीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई वीडियो डाले नोटिफिकेशन आपके तक टाइम टू टाइम पहुंच सके और आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कर सके, ठीक है। देखिएगा, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करवा रहे हैं, यकीन मानिए यदि इसको देख के जाते तो एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं छोड़ के आइएगा, गारंटी देते हैं आपको, ठीक है। तो नहीं जुड़ेंगे तो चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए भाई के लिए, ठीक है। चलिए, तो और भी हम लोग NCERT बेस्ट क्वेश्चन किए हैं, बहुत सारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। उसका प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ, जाके देखिए, नहीं देखेंगे तो। फिलहाल हम लोग कंप्यूटर कर रहे हैं। चलिए, कंप्यूटर अवेयरनेस पार्ट आठ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 1 से 7 तक हो चुका है, 8 होने वाला है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितने क्वेश्चन आए हुए हैं और आएंगे, ठीक है, अच्छा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बेसिक। थोड़ा देखिए, लैंग्वेज, ईयर और डेवलपर, ये तीन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिए, चलिए, फोरट्रेन इसका फुल फॉर्म पूछता है। पहली बात, इसका क्या फॉर्मूला ट्रांसलेशन क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ईयर क्या है, 1957 IBM के द्वारा, किसके द्वारा, IBM के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, अल्गोल इसका फुल फॉर्म क्या है, अल्गोरिथमिक लैंग्वेज क्या है, अल्गोरिथमिक लैंग्वेज 1958, और ये देख लीजिए, कमिटी ऑफ यूरोपियन एंड अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया था। चलिए, लिस्प LISP इसका फुल फॉर्म है, लिस्ट प्रोसेसिंग, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, इसलिए हम करवा रहे हैं इस पेज को। लिस्प का लिस्ट प्रोसेसिंग 1958 जॉन मैकार्थी के द्वारा, ठीक है। कोबोल इसका भी फुल फॉर्म एग्जाम आया हुआ है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या है, कॉमन सी से कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज 1959 में किसके द्वारा, ग्रैस हुपर के द्वारा, किसके द्वारा, ग्रैस हुपर के द्वारा, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ग्रैस हुपर के द्वारा कोबोल लैंग्वेज डेवलप किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बेसिक का फुल फॉर्म एग्जाम में आया हुआ है, बेसिक क्या है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड 1964 में, ठीक है। बाकी देख लिए, जॉन जी कैम्मे एंड थॉमसन ई कर्ट्ज, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। पास्कल ये इंपॉर्टेंट है, 1970 में, ये याद रखिएगा, और निकोलस वर्थ के द्वारा डेवलप किया गया था पास्कल। सी लैंग्वेज 1972 में, इसका आप सी लैंग्वेज लाया हुआ क्वेश्चन, डेनिस रिचटे के द्वारा, ठीक है। सी प्लस प्लस 1985 में, बजारने स्टॉप, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सी और सी प्लस इंपॉर्टेंट, जितना पेज करवाए ना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम आया हुआ है, ठीक है, इसलिए आप लोग जरूर इसको देखिएगा एक बार। पाइथन 1991 में गाइडो वैन रोसम के द्वारा डेवलप किया गया था। जावा ये भी क्वेश्चन आया हुआ 1995 में, जेम्स गोसलिंग के द्वारा। चलिए, एक जावा स्क्रिप्ट 1995 में ब्रेंडन इच के द्वारा, ठीक है। तो ये कितना टोटल, लगभग 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल है, 10 टोटल, देख के जाइएगा आराम से, क्वेश्चन एक जरूर भिड़ेगा एग्जाम में यहाँ से, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं अब। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, चलिए, द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल ए कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग टास्क आर रेफर्ड टू एज कंप्यूटर्स, को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोग्राम, क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। दूसरा क्वेश्चन, ए सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड, ऑप्शन 4, 5 देख लीजिए, इसको देखिए, IBPS 2012 में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स अ स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप ऑफ एन एल्गोरिदम, उसको क्या बोलते हैं, 4 ऑप्शन देख लीजिए, 3 ऑप्शन, इसका प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। ए डैश प्रोग्राम इज वन दैट इज रेडी टू रन एंड डज नॉट नीड टू बी अल्टर्ड इन एनी वेज, उसको क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर, हाई लेवल कंपाइलर, कोबोल, एग्जीक्यूटेबल, तो उसको एग्जीक्यूटेबल बोलते हैं। हु इज रिगार्डेड द वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी NTPC 2016 आ चुका है, और अभी जो मेंस होने वाला 2022 में मेन NTPC का, उसमें भी क्वेश्चन ये आने वाला है, ठीक है। वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोग्रामर क्या नाम था, अड्डा लवलेस, क्या नाम था, अड्डा लवलेस, तो बी कहाँ पे, 3 द राइट आंसर। ए फैक्टर इन द सेलेक्शन ऑफ सोर्स लैंग्वेज इज प्रोग्रामर, ए फैक्टर इन द सेलेक्शन ऑफ सोर्स लैंग्वेज इज, 6 का क्या होगा, तो ऑप्शन देख लीजिए, ये होगा प्रोग्राम कंपेटेबिलिटी विथ अदर सॉफ्टवेयर, 3 हो जाएगा, 3, 6 का 3।
सेवन नंबर लैंग्वेज विच कैन बी इजिली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर आर कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, क्या बोलते हैं उसको ना इजिली, देखिए लैंग्वेज विच कैन इजिली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर इसको लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, LLL लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज क्या करता है, ठीक है, इज द लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम वेयर फर्स्ट रिटन, सही बात है। इज द ओनली लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, सही बात है। डिफर्स फ्रॉम वन टाइप ऑफ कंप्यूटर टू अनदर, सही बात, मतलब फोर इज मशीन लैंग्वेज का डेफिनेशन फोर हो जाएगा। चलिए नाइन नंबर, द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड वन इज ए फ्यूचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, तो किसका है, मशीन लैंग्वेज का है ये। ईच मॉडल ऑफ ए कंप्यूटर इज ए यूनिक, क्या है यूनिक, यूनिक मशीन लैंग्वेज, क्या ईच मॉडल ऑफ ए कंप्यूटर हैज ए यूनिक मशीन लैंग्वेज, दस का दो हो जाएगा। ऑल कंप्यूटर एग्जीक्यूट, क्या एग्जीक्यूट करता है, ग्यारह का तीन, मशीन लैंग्वेज ऑफ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। चलिए द लैंग्वेज विच कैन बी रिलोकेटेड ईजिली, उसको कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, क्या बोलते हैं बोलिए आप लोग, तो उसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज यूज अल्फाबेटिक कोड इन द प्लेस ऑफ बाइनरी कोड, सही बात है, तो इसका मतलब यही हो जाएगा। इट इज इजियर लैंग्वेज टू रिटन ऑफ प्रोग्राम, नहीं, असेंबली लैंग्वेज का फर्स्ट हो जाएगा। IBPS का 2011 में आ चुका है क्वेश्चन। विच लैंग्वेज इज CPU डिपेंडेंट, CPU डिपेंडेंट कौन सा लैंग्वेज में है, ठीक है, तो याद रखिएगा असेंबली लैंग्वेज में। सारा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देखिएगा और एग्जाम से पहले, यकीन मानिए अच्छा खासा स्कोर कर पाइएगा एग्जाम में, ठीक है। डैश सर्व एज द ब्रिज बिटवीन रॉ हार्डवेयर एंड प्रोग्रामिंग लेयर ऑफ द कंप्यूटर, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मीडियम लेवल लैंग्वेज बोलते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम, मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम कौन सा लैंग्वेज को बोलते हैं, तो याद रखिएगा हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम बोलते हैं। 17 नंबर, कंप्यूटर लैंग्वेज यूज फॉर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए कौन किसको यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोरट्रान का, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, 1900 कब था डेट बताए थे अभी हम। विच ऑफ द फ्लोइंग 1957, विच ऑफ द फ्लोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज फॉर साइंटिफिक प्रॉब्लम, देखिए साइंटिफिक प्रॉब्लम के लिए कौन सा होता है लैंग्वेज, तो देख लीजिए चार ऑप्शन, तो देखिएगा फोरट्रान, फोरट्रान स्टैंड, फॉर्मूला ट्रांसलेशन क्वेश्चन आ चुका है, फॉर्मूला पहले बता चुके हैं, देख रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख के लग ही रहेगा आप लोगों को कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सब। LISP लिस्प इज डिजाइन फॉर, किसके लिए, लिस्ट प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म होता है, किसके लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, पहले बता चुके हैं फर्स्ट पेज में। लिस्प इज द सेकेंड ओल्डेस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हेयर लिस्प स्टैंड, इसका फुल फॉर्म पूछ दिया है, लिस्ट प्रोसेसिंग क्या है, लिस्ट प्रोसेसिंग है, 3 इज द राइट आंसर। चलिए कोबोल का फुल फॉर्म, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस, फुल फॉर्म पता है ना आपको, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, तो CO मतलब कॉमन ओरिएंटेड, तो देख लीजिए कॉमन ओरिएंटेड कहाँ पे, सेकंड इज द राइट आंसर, फुल फॉर्म पहले बता चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ कोबोल, कोबोल का करेक्टरिस्टिक कौन नहीं है, ठीक है, तो चार ऑप्शन देख लीजिए, इसका सेकंड इज द राइट आंसर, इट इज वेरी इफिशियंट इन टर्म्स ऑफ कोडिंग एंड, ये गलत है, ठीक है, बाकी सब सही है, बाकी सारा सही है, ठीक है, आगे देखते हैं। ए कंप्यूटर प्रोग्राम यूज फॉर बिजनेस एप्लीकेशन, बिजनेस एप्लीकेशन कोबोल का फुल फॉर्म में बिजनेस है तब कोबोल हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल, पहला पेज में करा चुके हैं, कौन किया कोबोल का, देखिए CHSL 2018 में आ चुका क्वेश्चन, कोबोल का कौन इन्वेंटर, कोबोल का इन्वेंटर है ग्रेस मूरी होपर, कौन है, ग्रेस मूरी होपर कोबोल का है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है बहुत। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाई ईयर 1972, पहले बता चुके हैं, आ चुका है कौन, डेनियस रिट्जे के द्वारा, डेनियस रिट्जे के द्वारा, ठीक है। C++ लैंग्वेज डेवलप्ड बाई C++ किसके द्वारा, बाजार ने स्टॉट स्टॉप ये भी करवा चुके हैं 1985 ईयर भी करवा चुके हैं पहले, इसलिए बोले पहला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पहला पेज कर लीजिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। पाइथन लीजिए, पाइथन क्या है, पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है, क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। चलिए जावा इज रेफर टू, ये जावा क्या है, जावा हाई लेवल लैंग्वेज है। कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन इंटरनेट, पास्कल जावा बेसिक लोगो, तो जावा इज द राइट आंसर।
द लैंग्वेज यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस गेम्स, कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं हम लोग? जावा। इसका जावा आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक एपलेट्स, इसको क्या बोलते हैं? जावा, केबल, डोमिनियम, नेट, कोबोल, तो जावा इज द राइट आंसर। ठीक है, 32 का 2 हो जाएगा, 32 का फर्स्ट हो जाएगा। विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एंड्रॉयड डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है? तो इसका ऑफिशियल लैंग्वेज होगा जावा। ठीक है, इसका आंसर मतलब 2 हो जाएगा, जावा। हु इन्वेंटेड जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 1995 में, पहले बता चुके हैं। कौन इन्वेंट किया इसको, तो याद रखिएगा इसका इन्वेंटर कौन है? ब्रेंडन इच। 34 का फर्स्ट सीजीएल में आया हुआ सलम। देखिए, इन विच ईयर डिड द जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कम इनटू एग्जिस्टेंस, ए बी सी एच एस एल में आया हुआ है, 1995, अभी बता चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज, कौन नहीं है? बेसिक तो है, कोबोल भी है, लोटस नहीं है, फोरट्रेन है, नन ऑफ दिस, तो 3 द राइट। 36 का 3 हो जाएगा, लोटस। सी, बेसिक, कोबोल एंड जावा आर एग्जाम्पल ऑफ, क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। किसका एग्जाम्पल? हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। चलिए, डैश इज ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम फंक्शंस, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 38 का प्लग 38 का देख लीजिए, पढ़िए फिर से क्या बोल रहा है। इज अ डैश रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम फंक्शन, तो उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इज ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ए कंप्यूटर, 38 का 5 हो जाएगा। डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ, डीबगिंग क्या है? एरर चेक करता है, चेकिंग एरर इन द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सी द राइट आंसर। मतलब सी किधर? इधर, ये वाला। देखिए दोस्तों, टू फाइंड एरर, ये दो क्वेश्चन बनता है, टू फाइंड एरर और टू रिमूव एरर। ठीक है, दो अलग अलग है। टू फाइंड एरर बोलेगा तो उसको बोलेंगे टेस्टिंग, क्या बोलेंगे? टू फाइंड एरर उसको बोलते हैं टेस्टिंग, और टू रिमूव एरर बोलेगा तो उसको बोलते हैं डीबगिंग, क्या बोलते हैं? डीबगिंग, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए डीबगिंग, टू रिमूव एरर डीबगिंग, और टू फाइंड एरर टेस्टिंग उसको बोलते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। चलिए, ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड ट्रांसलेटर। द डैश प्रोग्राम इज यूज टू कन्वर्ट न्यूमोनिक कोड टू मशीन कोड, कौन सा है? इसको बोलते हैं असेंबलर, क्या बोलते हैं? असेंबलर, असेंबलर को बोलते हैं। द फंक्शन ऑफ असेंबलर, असेंबलर का क्या फंक्शन? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करता है, उसी को तो बोलते हैं असेंबलर। तो ऑप्शन देख लीजिए, 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, 3 इज द राइट आंसर। द असेंबलर इज ये, असेंबलर क्या है? असेंबलर क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं, सिंटेक्स डिपेंडेंट नहीं, मशीन डिपेंडेंट, हाँ असेंबलर क्या है? मशीन डिपेंडेंट है, 3 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट असेंबलर, असेंबलर के बारे में सही कौन नहीं है? ठीक है, तो देख लीजिए चार ऑप्शन, इसका आंसर डायरेक्ट बोलता हूँ मैं, ये इट ट्रांसलेट द सी प्रोग्राम, नहीं ये गलत है। ठीक है, मतलब यही सही हो जाएगा। 44 का 2, कंपाइलर, देखिए UPSSC 2015 में आया हुआ है, कंपाइलर इज ये, कंपाइलर इज ये कंप्यूटर प्रोग्राम, सही बात है, पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, सही बात है, प्रोग्राम फॉर कन्वर्टिंग फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज में, सही बात है, मतलब ऑल ऑफ दी जाएगा। कंपाइलर क्रिएट्स, क्या क्रिएट करता है? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्रिएट करता है। 47, कंप्यूटर प्रोग्राम आर रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज, हाउएवर द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड, उसको बोलेंगे सोर्स कोड, क्या बोलेंगे? सोर्स कोड। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज आर कॉल्ड कंसिस्ट ऑफ, सेकेंड जनरेशन, देखिए सेकेंड जनरेशन बोलेगा तो असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, और फर्स्ट जनरेशन बोलेगा तो मशीन लैंग्वेज, ठीक है, और थर्ड जनरेशन बोलेगा तो जावा, और फिफ्थ जनरेशन बोलेगा तो विजुअल डिस, याद है? ठीक है, फर्स्ट जनरेशन मशीन लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन जावा, ठीक है, थर्ड जनरेशन जावा को बोलते हैं, और फिफ्थ जनरेशन है विजुअल बेसिक। तो हमको पूछा सेकेंड जनरेशन पूछा है तो असेंबली लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ अ स्टेटमेंट सिमिलर टू द स्टेटमेंट ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, सिमिलर तो ह्यूमन लैंग्वेज, कौन सा? फोर्थ जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन क्या था? मशीन लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन जावा, फोर्थ जनरेशन में जो सिमिलर था स्टेटमेंट ऑफ ह्यूमन बींग, जिससे इसका आंसर यही होगा, फोर्थ जनरेशन वाला, ठीक है, और फिफ्थ तो पहले बता चुके हैं विजुअल बेसिक्स।
चलिए 50 नंबर, ए सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर अकम्प्लिश ए टास्क इज नॉन एज, इज नॉन एज क्या बोलते हैं इसको, एल्गोरिदम, उसको एल्गोरिदम बोलते हैं, ठीक है। एरर इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड डिबग, बग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। एरर विच अकर व्हेन प्रोग्राम ट्राइड टू रीड फ्रॉम फाइल विदाउट ओपनिंग इट इज क्लासिफाइड एज क्लासिफाइड एग्जीक्यूटिंग एग्जीक्यूशन एरर मैसेज बोलते हैं इसको। डैश आर वर्ड्स दैट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज ए सेट असाइड फॉर इट्स ऑन यूज, कंट्रोल वर्ड, कंट्रोल स्ट्रक्चर, रिजर्व वर्ड, रिजर्व की, नन ऑफ दीज। तो 53 का हो जाएगा रिजर्व की वर्ड हो जाएगा, ठीक है। 54 डैश इज ए क्रॉस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको बोलते हैं सुडो कोड, क्या बोलते हैं इसको, सुडो कोड। द प्रोग्रामिंग रिपीटिंग सम स्टेटमेंट इज यूजुअली इज कॉल्ड लूपिंग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डी एफ डी, डी एफ डी का फुल फॉर्म देखिए पिछला 55 नंबर क्वेश्चन सीजीएल में आ चुका है, देखिए 2013 में। और फुल फॉर्म ऑफ डी एफ डी डाटा फ्लो डायग्राम, क्या है डी एफ डी का फुल फॉर्म, डाटा फ्लो डायग्राम। तो दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टोटल 56 क्वेश्चन था और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, IMP चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको देख के जाइएगा, प्लस 2 मार्क्स इसका मिलने वाला है, ठीक है एग्जाम में। तो दोस्तों लेक्चर पसंद आया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है और डेली देखा कीजिए, डेली में क्लास डालते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन देख के लग ही रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, हैव ए नाइस डे।